एक दिन अचानक मेरी वाइफ मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उनके लिए एक सपने जैसा होगा। वह अन्य औरत कोई और नहीं, मेरी माँ थी, जो मुझसे अलग अकेले रहती थी। अपनी व्यस्तता के कारण मैं उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। माँ को फोन करके उन्हें अपने साथ रात के खाने और एक फिल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? मेरी माँ बहुत ज्यादा केयरिंग थी, उनके लिए मेरा इस किस्म का फोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर जाना है, एक सुखद एहसास होगा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा वह भी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी और एक सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी। उनका चेहरा एक अलग सी खुशी से चमक रहा था। कार में माँ ने कहा, मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ, वे भी सुनकर बहुत खुश हुई। हम लोग माँ के पसंद वाले रेस्टोरेंट में पहुँच गए, जो बहुत सुरुचिपूर्ण तो नहीं था मगर अच्छा और आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेन्यू देखने लगा। मेन्यू पढ़ते हुए मैंने आँख उठाकर देखा तो पाया वो मुझे ही देख रही थी। एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। जब तुम छोटे थे ना बेटा, तो ये मेन्यू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी। माँ, इस समय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मेन्यू। खाने के दौरान हम दोनों एक दूसरे के जीवन में घटी हाल की घटनाओं पर चर्चा करने लगे। हमने आपस में इतनी ज्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। घर लौटते समय माँ ने कहा, अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूँ तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। कहो, बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और अगली बार बिल मैं ही पे करूंगी। घर पहुंचने पर वाइफ ने पूछा, कैसा रहा? जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ की मौत के कुछ समय बाद मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद और माँ का खत था। मेरे बेटे, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने दो लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ डिनर पर जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है, एक माँ पर बहुत फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हों में से एक था। गॉड ब्लेस यू बेटा। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। जीवन में कुछ भी आपके द्वारा अपने परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथी उनके जीवन में खुशियों का आधार है। आप हैं तो खुशियां हैं उनकी, और वो हैं तो आपकी खुशियां हैं उन्हें। ध्यान रखें, माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं और परिवार से बड़ा कोई नहीं।